हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव और कानपुर में मौसम मिली करवट, बारिश के साथ पड़े ओले। अरे बाप रे बाप, तो ये कूड़े की वजह से 26 जनवरी तक ऐसे ही रंग बदलता रहेगा मौसम। उन्नाव और कानपुर के लोगों को अभी भीषण ठंड से राहत ही मिली थी कि रविवार को अचानक फिर से मौसम ने करवट ले ली। रविवार दोपहर को अचानक आसमान पर काले बादल मंडराने लगे। काले बादलों के साथ ठंडी हवा ने लोगों को सर्दी का एहसास करा दिया। उन्नाव में कुछ जगहों पर बारिश हुई तो वहीं कानपुर में तो जबरदस्त बारिश देखने को मिली। बारिश के साथ ही कई इलाकों में कानपुर में ओले भी पड़े। बारिश की तैयारी के बिना घरों से बाहर निकले लोगों को अचानक आई बारिश से बचने के लिए यहां वहां छिपते हुए देखा गया। वहीं इस दौरान सड़कें गीली होने की वजह से कई जगहों पर बाइक सवार फिसल कर घायल होते हुए भी दिखे। मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्नाव और कानपुर में रविवार को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से सुबह से ही बारिश का मौसम बन गया। मौसम विभाग की माने तो रविवार पूरे दिन कभी धूप निकलेगी तो कभी बूंदाबांदी होगी। वहीं 23 जनवरी से बारिश तेज हो सकती है। इस बीच बादल गरजने, बिजली चमकने के साथ कहीं कहीं ओले भी पड़ सकते हैं। वहीं इसके साथ ठंड भी बढ़ सकती है। मौसम विभाग की माने तो 23 से 26 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा और कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश व उत्तरी मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। गंगा के मैदानी इलाकों में भी इस बीच कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में अगले 4 दिनों तक आप इसी तैयारी के साथ बाहर निकले कि कभी भी आपका सामना बारिश के साथ हो सकता है। वहीं इस मौसम में छोटे बच्चों का भी खास ध्यान रखें, क्योंकि मौसम ठंडा और गर्म होने की वजह से बच्चे बीमारियों का शिकार हो सकते हैं।